बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस ने एक ही दिन में 90 मिसाइलें दागी हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इसको सबसे बड़ा और सबसे इंटेंस हमला माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस का ये हमला इतना प्रचंड था कि यूक्रेन के लाखों घर महज कुछ ही मिनटों के भीतर अंधेरे में डूब गए, क्योंकि पुतिन की कई मिसाइलों ने पावर स्टेशंस को टारगेट किया, यानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अब डायरेक्टली टारगेट कर रहा है रूस। मिसाइल अटैक से कांपा यूक्रेन, कई शहरों पर रूस का एक साथ हमला, अंधेरे में डूबे यूक्रेन के लाखों आशियाने। इंडोनेशिया के बाली में चल रही G20 की बैठक में यूक्रेन युद्ध के समाधान के खबरों को तलाशा जा रहा था, लेकिन इसी बैठक के इधर पुतिन के मन में कुछ और चल रहा था, और जो भी कुछ पुतिन के मन में चल रहा था वो एक सीरियल अटैक के रूप में सामने आया। ये इतना भयानक हमला था कि अमेरिका समेत नेटो देशों में हड़कंप मच गया, क्योंकि कयास तो यही लगाए जा रहे थे कि G20 की बैठक में इस जंग का कोई न कोई समाधान जरूर तलाश लिया जाएगा। लेकिन पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने के लिए एक साथ 90 मिसाइलों का मुंह यूक्रेन के अलग अलग शहरों की तरफ मोड़ दिया, जिस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को हुआ। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर हुए इस जबरदस्त मिसाइल हमले में 70 लाख घरों में बिजली संकट पैदा हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान रूस के मिसाइल हमले में 15 पावर स्टेशनों को टारगेट किया गया, जिसका असर यह हुआ कि यूक्रेन में लाखों लोगों की आबादी के सामने बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के ऑफिस के डिप्टी हेड कायरिलो टाइमोशेंको के मुताबिक 70 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई है, क्योंकि रूस की तरफ से 15 पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। उधर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को हुए नुकसान की जानकारी ली है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से हुई बातचीत के बाद एंटनी ब्लिंकन ने बताया, रूस के तूफानी मिसाइल हमले में यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। हमने पोलैंड में हुए धमाके पर भी बात की है। जब तक होगा हम यूक्रेन की मदद के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट ने भी यूक्रेन पर हुए इस प्रचंड हमले की तीखी आलोचना की है, साथ ही उन्होंने यूक्रेन और पोलैंड के साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया। नेटो और G7 के नेता यूक्रेन के शहरों पर हुए रूस के इस भयानक हमले की निंदा करते हैं। हम बॉर्डर पर हुए धमाके के बाद पोलैंड के साथ एकजुट होकर खड़े हैं, जैसा कि जांच लगातार जारी है। हम अपने साझेदारों से लगातार नजदीकी बनाए रखेंगे, हम सब एक साथ खड़े हैं। जाहिर है रूस का ये भयानक हमला जहां पुतिन के इरादों को साफ जाहिर कर रहा है, वहीं दुनिया के सामने अब कितनी बड़ी चुनौती आने वाली है इस बात के भी संकेत दे रहा है।